हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A03 में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे हम आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ़ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ़ करते हैं, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, इन दोनों को प्रेस करके रखना नहीं है, बल्कि एक सेकंड के लिए प्रेस करना है और छोड़ देना है, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। और दोस्तों अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बताती हूँ। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले की। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगी एच पैनल्स की, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगी पैनल्स की, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये जो टास्क वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इन सभी ऐप सभी में से, जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी ऐप्स वगैरह पीपल, ओनली टास्क वाली ऐप को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बाकी को अनसिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक लाइन शो होगी, आप देख सकते हैं ये वाली, आपको इसको लेफ्ट साइड की ओर स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगी टेक स्क्रीनशॉट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है।